सभी को नमस्कार। देखिए, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, शब्द शक्ति का। शब्द शक्ति का इससे पहले हमने दो टॉपिकों के बारे में चर्चा कर ली थी। एक तो हमने पढ़ लिया था अलंकार, और दूसरा हमने पढ़ा दूसरा टॉपिक पद परिचय। आज से हम तीसरा टॉपिक, तीसरा बिंदु शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि शब्द शक्ति का। देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें। परिभाषा होती है वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ये तो ही हमारी परिभाषा। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके बाद में फिर हम शब्द शक्ति के भेद, शब्द शक्ति के भेद की बात करते हैं। तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार की मानी जाती है शब्द शक्ति। पहली होती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति इसके बाद में दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरी होती है व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति की परिभाषा देखी हमने, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। फिर इसके बाद में हम शब्द शक्ति के भेदों के बारे में, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं या तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। इसी प्रकार से शब्द शक्ति के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद, शब्द शक्ति के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यानी कि वाचक शब्द, वाचक शब्द। दूसरा होता है लक्षक, लक्षक शब्द। और तीसरा होता है व्यंजक शब्द, व्यंजक शब्द। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द शक्ति के भेद या उसके प्रकार, और शब्द शक्ति के यानी कि आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आज हम शब्द शक्ति के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले परिभाषा, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य या शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। फिर इसके बाद में शब्द शक्ति के यानी कि प्रकार या भेद, शब्द शक्ति के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हैं। शब्दों के बारे में कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? एक वाचक शब्द, दूसरा है लक्षक शब्द, नंबर तीन है व्यंजक शब्द। तीन प्रकार के शब्द होते हैं। अब वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले वाचक शब्द,
वाचक शब्द द्वारा व्यंजित अर्थ वाचार्थ अथवा अभिधार्थ कहलाता है। कहने का मतलब है वाचक शब्द से प्रकट होने वाले अर्थ को क्या कहते हैं। तो वाचक शब्द द्वारा व्यंजित अर्थ वाचार्थ या अभिधार्थ कहलाता है। उसी प्रकार से लक्षक के द्वारा व्यंजित अर्थ या आरोपित अर्थ लक्षणार्थ या लक्षार्थ कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से व्यंजक शब्द के द्वारा प्रकट होने वाले अर्थ को क्या कहते हैं, व्यंगार्थ कहते हैं। तो व्यंजक शब्द के द्वारा प्रकट आरोपित अर्थ या व्यंजक व्यंजित अर्थ या अन्य अर्थ या व्यंजित भाव व्यंगार्थ कहलाते हैं। इसके बाद में देखिए शब्द शक्ति के भेद या शब्द शक्ति के प्रकार। देखिए शब्द शक्ति के प्रकार, शब्द शक्ति के प्रकार, शब्द एवं अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति यानी कि तीन प्रकार की होगी, अभिधा शब्द शक्ति हो गई, लक्षणा शब्द शक्ति तथा व्यंजना शब्द शक्ति। अब एक एक के बारे में हम इसकी परिभाषा और इनके उदाहरणों के बारे में हम पढ़े। देखिए पहले है, सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति। क्या परिभाषा होती है इसकी? किसी शब्द के साधारण व्यवहारिक कौमा मुख्य अर्थ कौमा नामवाची अर्थ व सीधा साधा अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। फिर से देखिए अभिधा शब्द शक्ति की क्या परिभाषा होती है? किसी शब्द के साधारण या व्यवहारिक या मुख्य अर्थ या नामवाची अर्थ व सीधा साधा अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अतः शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण देखिए, जैसे हरी पुस्तक पढ़ रहा है, हरी पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पर सीधा सीधा सा अर्थ प्रकट हो रहा है कि हरी क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखिए, शेर जंगल में रहता है, तीसरा है गधा घास चर रहा है। तो इन तीनों वाक्यों में, तीनों सेंटेंसों में यानी कि हमें सीधा सीधा सा अर्थ प्रकट हो रहा है कि इसमें यानी कि कर्ता कौन सा कार्य कर रहा है। जैसे गधा शब्द पशु रूप में अर्थ बताने वाली शक्ति को यानी कि अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा भेद होता है लक्षणा शब्द शक्ति। क्या परिभाषा होती है? जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो अर्थात शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो, तब किसी रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर, किसी रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या आरोपित अर्थ का बोध होता है तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसे देखिए लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं या क्या क्या, क्या परिभाषा होती है? जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो अर्थात शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो, तब किसी रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या आरोपित अर्थ का बोध होता है तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसी की दूसरी परिभाषा और है, दूसरे तरीके से भी हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं अथवा करके, जैसे जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ से तो, जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ से तो मूल अर्थ प्रकट न हो किंतु उस मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला कोई अन्य अर्थ प्रकट हो तो वह अन्य अर्थ देने वाला व्यापार या कार्य लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इस प्रकार से दो परिभाषाएं हमने दो तरीके से पढ़ी।
अतः लक्षणा शब्द शक्ति के लिए निम्न बातें आवश्यक है। कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं जिनको हमको ध्यान रखना होता है कि शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े। लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ शब्द के यानी कि सीधे सीधे अर्थ में या मुख्य अर्थ में यानी कि अवरोध पैदा हो, बाधा पड़े। दूसरी विशेषता क्या या दूसरी बातें हमें क्या ध्यान रखनी होती है कि शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत शब्द का यानी कि जो मुख्य अर्थ होता है उसमें तो अवरोध या बाधा पड़ती है तथा शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाता है। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी होती है कि उस शब्द से लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन होता है। तो इस प्रकार से लक्षणा शब्द शक्ति के लिए निम्न बातें आवश्यक होती हैं। पहली है, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो। दूसरी आवश्यक बातें क्या होती है कि शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए। तीसरे क्या है ध्यान रखनी हमको कि उस शब्द से लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन हो। अब देखिए इसका उदाहरण के द्वारा हम समझें। जैसे मोहित चौकन्ना हो गए, मोहित चौकन्ना हो गए। अब यहाँ चौकन्ने शब्द का तो अर्थ होता है यानी कि चार कान वाला, लेकिन यहाँ इस चौकन्ने शब्द का सीधा सीधा अर्थ नहीं लिया जा रहा, बल्कि इससे संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लिया जा रहा है। अर्थात चौकन्ने का मतलब होता है यानी कि सावधान हो गए या सतर्क हो गए। तो मोहित चौकन्ना हो गए अर्थात इसका अन्य अर्थ कह लेंगे कि मोहित यानी कि सावधान हो गया या सतर्क हो गया। अब चौकन्ने का अर्थ सीधा सीधा सा अर्थ तो यानी मुख्य अर्थ तो इसका क्या होता है, चार कान वाला, लेकिन इससे संबंधित रखने वाला अन्य अर्थ क्या लेंगे, किसी बात को ध्यान से सुनना या सावधान या सजग हो जाना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, जैसे दिलीप तो निरा गधा है, दिलीप तो निरा गधा है। अब यहाँ गधा शब्द का प्रयोग यहाँ एक जानवर के अर्थ में न करके और किसके अर्थ में किया गया, मूर्ख के अर्थ में, कि दिलीप तो बिल्कुल यानी कि निरा क्या है, मूर्ख है। तो गधा शब्द का अर्थ सीधा सीधा सा मुख्य अर्थ तो होता है पशु के रूप में लिया जाता है, लेकिन इसका यहाँ पर जो अर्थ लिया गया, अन्य अर्थ लिया गया यहाँ पर, वो लिया गया मूर्ख, अर्थात दिलीप तो निरा मूर्ख है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मोहित एक नटखट लड़का है, नटखट लड़का है। अगला है राजस्थान जाग उठा। फिर है लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, यानी कि पंजाब के समान, सिंह के समान थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसकी परिभाषा और उसके हमने उदाहरण देखे। अब देखिए इसके बाद में लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्य रूप से दो भेद हमको पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? एक तो है रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। तो दो भेद हो गए, एक रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति और दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। अब है पहले की रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ये पूछी जाती है परीक्षा के अंतर्गत कि रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति की क्या परिभाषा होती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का जहाँ मुख्यार्थ बाधित होने पर रूढ़ी के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला लक्षणार्थ ग्रहण किया जाए वहाँ रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। फिर से देखिए रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का जहाँ मुख्यार्थ बाधित होने पर रूढ़ी के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला लक्षणार्थ ग्रहण किया जाए वहाँ रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थार्थ जब किसी वाक्य को रूढ़ी या परंपरा को आधार बनाकर शब्द का प्रयोग लक्षार्थ के रूप में किया जाता है तो वहाँ रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। हिंदी के सभी मुहावरे व कहावतें रूढ़ी लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है, अगर वाक्य के अंतर्गत मुहावरे और कहावतों का अगर प्रयोग हो रहा है तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी,
रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जैसे सुरेश हॉकी से खेलते समय हवा से बातें करता है, ये बोर्ड परीक्षा यानी 2018 में आया हुआ एग्जाम्पल उदाहरण है कि सुरेश हॉकी खेलते समय हवा से बातें करता है। अब यहाँ मुहावरे का प्रयोग हुआ है, तो इस मुहावरे का प्रयोग होने के कारण इस वाक्य के अंदर कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है, रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, उसने तो अवधेश की नाक को कटा दी, तो यहाँ पर भी नाक कटा दी, यहाँ पर भी यानी कि मुहावरे का प्रयोग होने के कारण रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति है। उसी प्रकार से पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गए, पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गए, 9-2-11 भी यहाँ पर एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसके कारण इस वाक्य में भी कौन सी शब्द शक्ति है, रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति। फिर देखिए अगला उदाहरण, आज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाए, ये पूंजीपतियों के ऊपर व्यंग किया कि आज भुजंगों से बैठे यानी कि भुजंगों मानी सर्पों के समान बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाए, यानी कि कंचन मानी सोने के घड़े घड़ों को यानी कि पूंजी को दबाए हुए बैठे हैं, तो इसमें भी रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला है, फूले फूले फिरत है आज हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाँव, काठ में पाँव देना यहाँ पर भी एक लोकोक्ति यानी कि कहावत का प्रयोग किया गया, जिसके कारण इसमें भी यानी कि रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होगी। फिर इसके बाद में देखिए लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा भेद है, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। तो देखिए क्या परिभाषा होती है इसकी, काव्य में प्रयुक्त पदों का जहाँ मुख्यार्थ बाधित होने पर किसी प्रयोजन यानी कि कारण के सहारे मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। फिर से देखिए, काव्य में प्रयुक्त पदों का जहाँ मुख्यार्थ बाधित होने पर किसी प्रयोजन के सहारे मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखें हम इनकी, अध्यापक जी ने कहा मोहन तो गधा है, अध्यापक जी ने कहा मोहन तो गधा है। दूसरा है, लाल पगड़ी आ रही है, तो दोनों उदाहरण देखिए कि अध्यापक जी ने कहा मोहन तो गधा है, अब यहाँ किसी न किसी प्रयोजन से यानी कि मोहन को यानी कि गधा कहा है, यानी किसी न किसी प्रयोजन से कहा है। दूसरा है यानी कि लाल पगड़ी आ रही, लाल पगड़ी से तात्पर्य है कि लाल टोपी वाले यानी कि सैनिक आ रहे। इस प्रकार से यहाँ दोनों लक्षणों के अंतर्गत प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का यानी कि प्रयोग हुआ है। अब तीसरे नंबर की आती है व्यंजना शब्द शक्ति। इससे पहले हमने दो भेद हमने पढ़ लिए, पहला नंबर एक था यानी कि अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा नंबर था यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति, और लक्षणा शब्द शक्ति के भी हमने दो भेद पढ़े, एक रूढ़ी लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। अब देखिए नंबर तीन पर है व्यंजना शब्द शक्ति, क्या परिभाषा होती है इसकी, कि काव्य में प्रयुक्त शब्दों का जहाँ वाचार्थ तथा लक्षार्थ से तो वास्तविक अर्थ न निकले अपितु कोई विशेष या अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, अथवा प्रत्येक श्रोता अपनी अपनी मन स्थिति के अनुसार देश काल एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अर्थ ग्रहण करे, तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। फिर से देखिए, काव्य में प्रयुक्त शब्दों का जहाँ वाचार्थ तथा लक्षार्थ से तो वास्तविक अर्थ न निकले अपितु कोई विशेष या अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, अथवा प्रत्येक श्रोता अपनी अपनी मन स्थिति के अनुसार देश काल एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अर्थ ग्रहण करे, तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे मंदिर के पुजारी ने भक्तों से कहा कि शाम के 7 बज चुके हैं, यानी कि मंदिर के पुजारी ने भक्तों से कहा शाम के 7 बज चुके, अर्थात शाम के 7 बजने से हम इसका अर्थ लेंगे या
शाम के 7 बजने से भक्त क्या अर्थ ले सकते हैं, इन भक्तों की मन स्थिति के अनुसार। शाम का 7 बजने से तात्पर्य यानी कि पूजा का समय हो चुका है। दूसरा उदाहरण, प्रधानाचार्य ने कहा 4:30 बज गए हैं। अब 4:30 बजने से तात्पर्य यानी कि विद्यालय की छुट्टी का यानी कि समय हो चुका है। फिर देखिए इसके बाद में लक्षणा शब्द शक्ति की तरह व्यंजना शब्द शक्ति के भी यानी कि मुख्य अर्थ 2 प्रकार की होती है, यानी कि इसके भी 2 भेद होते हैं। इस प्रकार से हमने लक्षणा शब्द शक्ति के भेद पढ़े, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। वैसे व्यंजना शब्द शक्ति के भी 2 भेद हैं। एक तो होती है यानी कि शाब्दी व्यंजना, यानी कि शाब्दी व्यंजना, और दूसरी होती है अर्थी व्यंजना होती है। तो देखिए शाब्दी व्यंजना किसे कहते हैं, शाब्दी व्यंजना की क्या परिभाषा होती है। वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर करता है। वाक्य में प्रयुक्त व्यंजकार्थ या व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर करता है, अर्थात उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर किसी पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं रह पाती है, तो वहाँ शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कहने का तात्पर्य कि जब व्यंजना शब्द में ही निहित होती है, तो वहाँ शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे एक उदाहरण एग्जाम्पल, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों सने न गंभीर, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों सने न गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वही हलधर के वीर। पहले हम इनके उदाहरण देख लेते हैं, बाद में फिर स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पाए पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इस प्रकार से ये 2 उदाहरण हैं, इनका स्पष्टीकरण देखते हैं हम। जैसे पहले वाले का देखते हैं कि यहाँ पर वृष भानुजा यानी कि ये वृष भानुजा के 2 अर्थ हैं, 2 अर्थ लिए, एक गाय के अर्थ में है और दूसरा है राधा के अर्थ में। और वहीं हलधर के भी 2 अर्थ लिए, एक अर्थ लिए बैल के अर्थ में और दूसरा लिए बलराम के अर्थ में। अतः शब्दों के दोनों अर्थों पर ध्यान जाने से ही छिपा अर्थ व्यंजित होता है, इसलिए इसमें शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। फिर इसके बाद में देखिए दूसरे उदाहरण का यानी कि स्पष्टीकरण, कि यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ लिए गए हैं, एक चमक, दूसरा अर्थ इज्जत और तीसरा जल। अतः यहाँ भी शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार से इसका दूसरा भेद है आर्थी व्यंजना, इसके बारे में बातें करें हम। क्या परिभाषा होती है कि जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो, जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो अपितु उसके अर्थ में निहित हो, अर्थात उस शब्द का पर्याय रख देने पर भी उसकी व्यंजना बनी रहे, तो वहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कहने का तात्पर्य कि जहाँ व्यंजना शब्द में निहित होती है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है, और जहाँ व्यंजना यानी कि शब्द में निहित न होकर के अपितु शब्द के अर्थ में निहित होती है, तो वहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब इसका उदाहरण देखिए, स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा देख विहंग विचार, स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछीनू ने मार। इसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही शो बंदेव आगे कौन हवा। तो इन दोनों यानी कि उदाहरणों के अंतर्गत यानी कि आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति प्रयुक्त तो हुई। अब अंत में देखिए एक प्रश्न शब्द शक्तियों के मध्य अंतर से संबंधित पूछ लिया जाता है, कि अभिधा शब्द शक्ति लक्षण शब्द शक्ति में क्या अंतर होता है, या लक्षण शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति में क्या अंतर होता है। तो देखिए
सबसे पहले अभिधा व्यंजना अभिधा शब्द शक्ति, फिर लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में, फिर व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में। नंबर एक पहला पॉइंट देखते हैं, अभिधा शब्द शक्ति में क्या कि शब्द का साधारण व्यवहारिक अर्थ लिया जाता है, यानी कि अभिधा शब्द शक्ति में शब्द का साधारण यानी सीधा सीधा सा अर्थ और व्यवहारिक अर्थ लिया जाता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति में शब्द के साधारण अर्थ का विरोध किंतु उससे मिलता हुआ अन्य अर्थ लिया जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है कि अभिधा और लक्षणा से भिन्न कोई अन्य अर्थ लिया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए इसका अंतर का, अभिधा शब्द शक्ति में कि वाचार्थ का निश्चित अर्थ होता है, कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती है। लक्षणा के अंतर्गत लक्षणा निश्चित नहीं, यानी लक्षणा में अर्थ निश्चित नहीं होता किंतु अर्थ की दिशा निश्चित होती है तथा थोड़ी कल्पना की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजना के अंतर्गत क्या होता है, व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत अर्थ संदर्भ से स्वतः ही अपना रूप ले लेता है तथा कल्पना की पूर्ण रूप से आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से हमने दो अंतर अभिधा लक्षणा और व्यंजना के मध्य में हमने पढ़े। तीसरा अंतर देखिए क्या होता है, तीसरा अंतर अभिधा के अंतर्गत वाचार्थ के लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि लक्षार्थ के लिए अभिधा शब्द शक्ति ही आधार बनती है, जबकि व्यंजना के लिए वाचार्थ व लक्षार्थ दोनों ही आधार बनते हैं। इसी प्रकार से चौथा अंतर देखिए अभिधा के अंतर्गत अभिधा पाठक श्रोता दोनों को ही वास्तविक अर्थ पूरा बता देती है, जबकि लक्षणा कुछ अर्थ तो यानी कि देती है और कुछ पाठक व श्रोता की समझ पर छोड़ देती है, जबकि व्यंजना कुछ संकेत देती है और सारा अर्थ पाठक व श्रोता की बौद्धिक क्षमता पर छोड़ देती है। और लास्ट पांचवा अंतर देखिए, अभिधा केवल गद्य में प्रयुक्त होती है, यानी कि अभिधा जो शब्द शक्ति होती है वो केवल गद्य में प्रयुक्त होती है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति गद्य के अलावा काव्य में भी यानी कि पद्य में भी प्रयुक्त होती है, किंतु जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है वो काव्य में विशेष रूप से प्रयुक्त होती है, वो यानी कि व्यंजना जो शब्द शक्ति है विशेष रूप से किस में प्रयुक्त होती है, काव्य में, यानी कि पद्य में, काव्य में विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज हमने शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा कि शब्द शक्ति की क्या परिभाषा होती है, उसके कितने भेद होते हैं, शब्द शक्ति शक्ति के आधार पर उसके शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण हमने इसके अंतर्गत देखा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।